हेलो डियर स्टूडेंट, अगला हमारा कार्य पत्रक है 89 कक्षा 3 पहल गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता दीजिए मूर्त वस्तुओं और चित्रों के बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न दिया गया, आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार तरह बांटा कि प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिले। 12 गेंद थी, 4 बच्चे हैं, इनको 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, अभी 3 3 आएगा, तो 3 3 गेंद प्रत्येक बच्चे को मिल गई है। इसी प्रकार अपने को और प्रश्न भी हल करने हैं। जैसे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, अब आप भी बांट कर देखिए, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर क्या है, भी कुछ रोटियाँ दिखाई गई हैं। 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटा हूँ, 6 रोटियाँ हैं, बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चों को कितनी रोटी मिलेंगी, भी 3 तो इसको मिल गई है और 3 इसको मिल गई, अर्थात 6 को आप 2 से भाग दोगे तो 2 को 2 का पाड़ा कितने बढ़ जाएगा, अभी 3 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, अभी 3 रोटी आ जाएंगी। या तो सीधा कर दो या भाग दे दो, अपने को भाग सीखना है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भी 8 आमों को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटो, ये 8 आम है या 2 बच्चे दिखाए गए, बराबर बराबर बांटना है। सीधा सा कि 8 में आप 2 का भाग दे दो तो 2 का पाड़ा बोलोगे कि 4 बढ़ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 4 4 आम आएंगे, कितने आम आएंगे, अभी प्रत्येक बच्चे को 4 4 आम आएंगे। या इस प्रकार भी बांट सकते हो, 1 2 3 4 इसको दे दिए और 1 2 3 4 इसको दे दिए। नेक्स्ट कार्य पत्र देखिए 90 भी, इसमें दिया हुआ है मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग से की समझ विकसित कर पाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदी का और इंग्लिश का भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न, नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनके आधे भाग या हिस्से में रंग भरिए। अब जैसे यहाँ पर एक वृत्त दिखाया गया है, इसमें इसके 2 पार्ट किए हुए, 2 भाग किए हुए, आधे में रंग किया गया है। सभी आकृतियों में जैसे यहाँ आयत है, यहाँ वृत्त है, यहाँ पर त्रिभुज है, इनमें क्या किया है, अभी 2 2 पार्ट किए गए, आधे में आपको क्या करना है, अभी कलर करना है। तो कलर तो आप कर ही लोगों को दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर इसमें, इस बॉक्स में या इस दोनों में से किसी में कलर कर दो आप, जैसे भी आपके पास जो भी कलर हो, ये कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास स्केच नहीं है, अभी मैं इस प्रकार कर रहा हूँ, तो आप इसमें स्केच लेकर बढ़िया और कलर करोगे, ठीक है, इस प्रकार दिखाना है सभी को। नेक्स्ट देखो, 2 नंबर प्रश्न देखो भी, अगर देखो भी दोनों प्रश्न, आकृतियों को रेखा खींचकर 2 हिस्सों में बांटकर छायांकित किया गया है। अब यहाँ पर क्या कुछ आकृतियां हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है और एक भाग में छायांकित या रंग किया गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाएं। अब क्या अभी कई आकृतियों को आधा भाग छायांकित है, कईयों का आधा है नहीं, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो आपको ओनली उसी पर टिक करना है जो क्या वो भी आधा हो। जैसे ये सूर्य दिखाया गया है, यहाँ पर क्या अभी आधा पार्ट पर है, इस पर आप क्या करोगे, राइट का मार्क लगाओ। अब यहाँ पर ये बाल्टी या कोई डिब्बा दिखाया गया है, इसमें आधे पार्ट पर कलर है, आधे पर नहीं है, इस पर आपको टिक करना है। अब ये क्या है, अभी कॉर्न है, आइसक्रीम है, एक प्रकार से, यहाँ पर भी आधे पार्ट में रंग किया गया है, तो यहाँ पर टिक करोगे। अब ये क्या है, अभी पान का पत्ता है, इसमें भी आधे भाग पर रंग किया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, अभी राइट का मार्क लगाना है। ये बेलन है, इसके आधे भाग में कलर है, तो इसमें भी क्या करना है, आपको भी टिक लगाना है। ये गुब्बारा है, इसका भी आधा भाग क्या है, अभी छायांकित है, कलर किया है, इस पर भी टिक लगाना है। अब ये वृत्त दिखा, इसमें आधे भाग में कलर नहीं है, आधा भाग यहाँ तक होता तो ये इस पर टिक नहीं लगाना आपको। अब ये क्या है, अभी कोई फूल है, इसमें भी क्या है, अभी आधे भाग में क्या किया गया, अभी कलर किया गया है, इसमें टिक लगाओ। अब यहाँ पर क्या, अभी एक आयत है, इसमें भी क्या, अभी आधे भाग में कलर किया गया, आधे में नहीं है, इस पर टिक लगाओ। ये घर है, इसमें भी आधे भाग में कलर किया गया है। ये आइसक्रीम है, इसमें आधे भाग में कलर नहीं है, देखो भी आधे से ज़्यादा में है और यहाँ पर आधे से कम में, इसमें आपको टिक नहीं लगाना है। ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी क्या है, अभी ये छायांकित भाग आधा नहीं है, आधा तो इस प्रकार इसका बंटवारा होता ना तब सही होता, इसका भी इस प्रकार होता तब बंटवारा सही होता, ये गलत है, यहाँ पर टिक नहीं लगाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।